الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم। जो टॉपिक और उनवान दिया गया है वो है असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और हमारी जिम्मेदारी। तो अब यहाँ बात तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन जो बड़े और समझदार बच्चे हैं उनके लिए मैं ज़्यादातर अर्ज करूँगा। और मेरी बातचीत में अगर आपको कोई वर्ड, कोई सेंटेंस समझने में कोई मुश्किल, डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, क्योंकि उर्दू के बाद अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, सब लोग समझ जाते हैं वही, लेकिन बाद में मालूम होता है कि उर्दू के ये अल्फाज बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आए, तो ऐसे कोई वर्ड्स और कोई मेरी बात का कोई हिस्सा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं। बेहतर है कि जब का जब ही पूछ लीजिए। आमतौर पे क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में रखते ना, तो जब तक भूल जाते क्या पूछने का था। जब का जब ही पूछ लीजिए। अब ये क्लास के जैसा समझिए, ये सब स्टूडेंट्स हैं ना, ये अपनी क्लास है। तो इसमें मेरे को तीन चीज़ें आपसे कहना है और तीनों चीज़ें कंडीशनल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आयत कुरान मजीद की मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबीयु औला बिलमुमिनीन मिन अन्फुसिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के पास, मोमिनीन के नज़दीक, मोमिनीन यानी मुसलमान, उनके नज़दीक अपनी जान से ज़्यादा इज़्ज़त रखते हैं। औला बिलमुमिनीन मिन अन्फुसिहिम, अपनी ज़ात, अपनी जान से ज़्यादा मुसलमान हुज़ूर को चाहते हैं। वह अज़्वाजुहुम उम्महातुहुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ पूरी उम्मत की माएँ हैं, मदर्स हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ हैं और वो 11 बीवियाँ पूरी हमारी माँ हैं, मदर्स हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? हम लोग जब पैदा होते हैं और माँ बाप के साथ अपने घरों में रहते बसते, खाते पीते और उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अपने को बचपन से बात समझ में आ जाती है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स हैं, अम्मी हैं, अब्बा हैं, और ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और हमारे रिलेटिव्स हैं दूसरे। लेकिन इन सारे रिलेटिव्स में मदर एंड फादर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे, और फिर मदर एंड फादर के साथ साथ हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हैं, पूरी फैमिली है हमारी। हम अपनी फैमिली को जितनी इज्जत देते हैं, जितना रिस्पेक्ट देते हैं, अगर हमारी फैमिली मेंबर्स में से किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। अब बच्चे हैं ना, आमतौर पे बच्चों में झगड़ा होता, कोई किसी के बाप को बुरा बोल दिया, कोई किसी की माँ को बुरा बोल दिया। हाँ, मेरे बाप को बोलता, मेरे माँ को बोलता, मैं भी तेरे बाप को बोलता हूँ, उसको भी गुस्सा आता, इसको भी गुस्सा आता। माँ बाप को गाली दे के लड़ाई झगड़ा शुरू होता आमतौर पर बच्चों में, बचपन में ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था। तो वहीं से हमको अंदाज़ा होता है कि हमारे माँ बाप को कोई बुरा नहीं बोलता,
इसलिए खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम अपने माँ बाप को गाली न दो। लोग पूछे अल्लाह के रसूल को अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है, तो आपने फरमाया कि डायरेक्ट गाली तो कोई नहीं देता, लेकिन तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो वो पलटा के तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। जैसा बॉल मारे दीवार पे तो पलट के आता है, इसी तरह किसी को गाली दिए तो उन्हें भी पलटा के गाली देता। तो हमारे माँ बाप को गाली देने का सबक कौन बने? हम खुद बने, क्योंकि हमने दूसरे के बाप को, दूसरे की माँ को गाली दी तो उसने हमारे माँ बाप को गाली। बिल्कुल यही अंदाज कुरान मजीद में एक जगह इस तरह से भी है कि ऐ ईमान वालों, तुम गैर मजहब के लोगों के माबूदों को बुरा भला मत कहो। अल्लाह को छोड़कर वो लोग गैरों की इबादत करते हैं, वो उनका गुनाह है अपनी जगह, लेकिन तुम उनके माबूदों को बुरा भला मत बोलो। अगर तुम उनको बुरा भला बोलोगे तो पलटा के वो अल्लाह को गाली देंगे। तो अल्लाह को गाली देने का सबब तुम खुद बनोगे। इसलिए हमको इस्लाम में ये तालीम दी गई है कि हम तौहीद की दावत तो देंगे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे, समझाएंगे उसको बिठाकर, तालीम देंगे, एजुकेट करेंगे कि तुम जिनकी इबादत करते हो वो खुदा नहीं है। देखो, सोचो, गौर करो, क्या उन्होंने किसी चीज़ को पैदा किया है? क्या वो तुम्हारी दुआएं सुनते हैं? क्या वो तुम्हारी बिगड़ी बनाते हैं? क्या वो तुम्हारे कोई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं? तो फिर तुम उनको खुदा क्यों समझते, क्यों उनकी बात? इस तरह से तो उनको समझाया जा सकता है, लेकिन जैसा आम तौर पर बोलचाल में हम तेरी तो तेरी भगवान की, तेरी इसकी, तेरी उसकी बोल के उनके माबूदों को, जैसा हमारा अंदाज होता जाहिलाना अंदाज, उस तरीके से हम अगर उनको बोलेंगे तो फिर वो भी पलटा के हमारे खुदा को गाली दे। इसलिए मना किया। महज़्ज़िब अंदाज में गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन गाली गलौज का अंदाज नहीं अपनाया जा सकता। तो इसलिए मुसलमान किसी के खुदाओं को, जिस उन्होंने खुदा बना लिया, वो खुदा है नहीं असल में, उन्होंने जिनको खुदा बना लिया है उनको बुरा भला नहीं बोलते, और अगर बोलते हैं तो गलती करते हैं। ये उसूल है। जैसे हमारे माँ बाप को हम रेस्पेक्ट देना है तो दूसरों के माँ बाप को भी रेस्पेक्ट दें, इसी तरह हम अगर अपने खुदा को, रसूल को, हमारे बुजुर्ग हस्तियों को अगर हमको रेस्पेक्ट देना है तो हमको चाहिए कि दूसरों के भी धर्म के जो बुजुर्ग हस्तियाँ वो लोग मानते हैं उनको भी इज्जत ही दें। इज्जत के हद तक इज्जत देंगे, लेकिन हम उनको खुदा नहीं बनाएंगे, उनके शिर्क में हम शरीक नहीं होंगे, ये अलग मसला है। बहरहाल एक उसूल ये है कि हम किसी के खुदा को, किसी के भगवान को, किसी के अवतार को बुरा भला नहीं बोलेंगे, और उससे ये उम्मीद करेंगे कि वो भी हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे खुदा को, हमारे रसूल को बुरा भला न कहें। ये एक बराबर का उसूल है। ये उसूल हर ज़माने में रहा है, दुनिया भर में आज भी कायम है, और इंडिया में भी ये उसूल है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी, मुसलमान की क्या ज़िम्मेदारी है? इस वक्त मुसलमान दुनिया भर में तीन किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक मुसलमान वो है जिनके पास हुकूमत है, गवर्नमेंट है, फौज है, ताकत है, जैसे अरब कंट्रीज है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसके अंदर 57 कंट्रीज का एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल। तो वो मुसलमान वो हैं जिनके पास ताकत, कुव्वत, हुकूमत सब कुछ है, हमारे मुल्क से ज्यादा है। उनका कोई छोटा सा भी मुल्क है, कुवैत है, बहरैन है, कतर है, बहुत छोटे छोटे ममालिक हैं, मगर उनके पास माल, दौलत और फौज, ताकत, हथियार, वेपन्स सब कुछ है।
एक बोलोगे। तो ऐसी सूरत में उनकी जिम्मेदारी अलग है, और दूसरे वो मुसलमान है जैसे हम लोग हैं इंडिया में, हमारे पास हुकूमत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास भी एक चीज है, वो है इक्वालिटी का राइट है हमारे पास, फंडामेंटल राइट हमारे पास डेमोक्रेसी में। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमको यहाँ पर पूरे कंट्री के सिटीजन्स के साथ इक्वल राइट है, बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट होने की वजह से, और यहाँ पर और एक प्लस पॉइंट क्या है इंडिया में कि इंडिया की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, सेक्युलरिज्म है यहाँ पर। सेक्युलरिज्म की खूबी यह है कि वो खुद अपना कोई मजहब नहीं रखता, लेकिन जितने दूसरे मजहब के मानने वाले लोग हैं उनके सब मजहबों की, उनके सब फेथ और उनके रिलीजन की इज्जत करता है, उनको इक्वल राइट देता है। यह खूबी है सेक्युलरिज्म। तो सेकंड नंबर पे हमारी जिम्मेदारी थोड़ी अलग हो जाती है, एक सेक्युलर कंट्री में हम हैं और इक्वल सिटीजन का हमारा राइट है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और तीसरे वो मुसलमान हैं जिनके पास ना सेक्युलरिज्म है ना इक्वल राइट्स हैं, बल्कि वो डिप्रेस्ड हैं, गुलाम बने हुए हैं दूसरी कौम के, तो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी अलग हो जाती है। अब ये तीनों जिम्मेदारियों को, तीनों किस्म के मुसलमानों की जिम्मेदारियों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है। मैं जो ऑर्डर आपको बयान किया, पहला नंबर वो लोग हैं जिनके पास ताकत है, कुव्वत है, हुकूमत है, दूसरे वो हैं जो जैसे हम इंडिया में, हमारे पास हमारे हाथ में ताकत हुकूमत तो नहीं है लेकिन इक्वल राइट है हमको, और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास कोई राइट भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, वो लोग गुलाम हैं। तो अब हम जिम्मेदारी जो है, ये तो स्टेटस है, अलग अलग तीन किस्म के स्टेटस। अब इन स्टेटस में हर स्टेटस वाले मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है, उसको हम समझने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करेंगे गुलाम स्टेटस थ्री से, थर्ड स्टेटस के जो मुसलमान हैं उनकी क्या जिम्मेदारी। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो लोग गवर्नमेंट से, हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं कि भाई हमारे रसूल के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, जो गुस्ताखी हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए कि वो लोग गुलाम हैं, कोई नहीं सुनेगा उनकी बात, और उसके नतीजे में उनको जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा, जो कि आम तौर पे गुलामों के साथ होता ही रहता है। अब यहां पर जैसे बर्मा है, नेपाल है, श्रीलंका है और भूटान है, और आप जाएंगे तो अभी जो रोहिंग्या का किस्सा है वहां पर भी मुसलमान गुलाम है। इवन चाइना में भी मुसलमानों को पूरा कंप्लीट राइट टू रिलीजन नहीं, वहां पर भी यहूदी मुसलमानों को गुलाम बना लिया गया। और हमारे पास अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनफोर्स है, उसमें तो राइट जरूर है, लेकिन स्लोली, बल्कि अभी हम कह सकते हैं कि बहुत फास्ट और तेजी के साथ हमको भी गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो गुलाम कौन है, वो लोग ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने में आप ओढ़ते रहेंगे, कूदते रहेंगे, और अपने नबी के गम में अपने आप को भुलाते रहेंगे, कर कुछ नहीं सकेंगे, और कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनको क्रश करके रख दिया जाए, उनकी बात नहीं सुनी जाए। तो इसी सूरत में वो लोग सिर्फ अपने दिल में गम पाल सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमको ऐसा क्या एग्जांपल मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ज़माना जो शुरू का था, स्टार्टिंग का, वो यही था। हालांकि उस ज़माने में वहाँ मक्के में ग़ुलामी का भी कोई दौर नहीं था, मुसलमान ग़ुलाम नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इज्जतदार घराने के आदमी थे, बनू हाशिम से आपका ताल्लुक़ था, कुरैश से आपका ताल्लुक़ था,
قریش اور بنو ہاشم یہ دونوں قبیلے بہت عزت دار قبیلے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکے کے متولی تھے کعبۃ اللہ کے, حضور کے چچا ابو طالب بھی بہت عزت دار آدمی تھے, اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوشل اسٹیٹس تھا دعوت اسلام سے پہلے وہ بہت ہائی لیول کا, ٹاپ موسٹ لیول کا. ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ بہت ریسپیکٹ سے سنی جاتی تھی. لیکن جیسے ہی آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا, پھر آپ کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور لوگ حضور کی انسلٹ خود کرتے تھے, ڈائریکٹ انسلٹ ہوتی تھی اس وقت, کچرا بھی پھینکتے تھے, کانٹے بھی بچھاتے تھے, پتھر بھی مارتے تھے, گالیاں بھی دیتے تھے, دیوانہ بولتے تھے, مجنون بولتے تھے, پاگل بولتے تھے, جادوگر بولتے تھے, کیا کیا نہیں بولتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ریئیکشن دیتے تھے اور خود پورے مسلمان بھی کیا ریئیکشن دیتے تھے. تو آپ پوری سیرت پڑھ لیجیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اسٹارٹنگ کے زمانے میں جب کہ ابھی مسلمانوں کو حکومت نہیں ملی تھی اور دین کا اسٹارٹنگ کا زمانہ تھا, تو اس وقت جب حضور کی انسلٹ کی جاتی تھی تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا, خاموش ہو جاتے تھے, کوئی ریئیکشن نہیں دیتے تھے, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مار لگتا تو مرہم پٹی کر دی جاتی تھی, آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی تو اوجھڑی ہٹا کر آپ کو صاف ستھرا کر دیا گیا, کانٹے بچھائے گئے تو صرف کانٹے ہٹا دیے گئے, برا بھلا کہا جاتا تھا تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا ایک زمانے تک, خاموشی اختیار کی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ بولتے تھے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو, وہ لوگ ان کا کام کرتے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں, ہم کو ان کا جواب نہیں دے رہے, نو ریئیکشن نو ریٹیلیشن, ایک دور چلتا رہا. تو جو لوئسٹ اسٹیٹس کا زمانہ رہتا ہے اس میں کوئی ریئیکشن نہیں کیا جا سکتا, یہ نمبر ون یاد رکھ لیجیے, اس کا سولوشن کچھ بھی نہیں ہے, خاموش بیٹھ جانا ہے, بس اپنا کام کرتے رہو, اپنے دین پر ہم قائم رہیں, اپنے رسول کی ہم اتباع کرتے رہیں اور اپنے رسول کی عزت ہم کرتے رہیں اور رسول کی سنتوں کو اپناتے رہیں, یہ ہمارا اپنا کام ہے, گورنمنٹ سے گستاخوں سے ہم نہیں نمٹ سکتے جبکہ ہم کمزور ہیں, سمجھ میں آ گئی بات. تو وہ جو چائنا کے مسلمان ہیں, برما کے مسلمان ہیں, لنکا کے مسلمان, یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ لوگ خاموش بیٹھیں گے, ان کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں, صرف ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان رہیں, اپنے ذات پر اسلام کو قائم رکھیں, دوسروں سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. اب رہی بات دوسری, جیسے ہم انڈیا میں ہیں, یہاں پر ایکول رائٹس ہے, رائٹ ٹو ریلیجن ہے, نہ ہم کسی کے مقدس لوگوں کی گستاخی کر سکتے ہیں نہ وہ لوگ ہمارے کوئی مقدس لوگوں کی گستاخی کر سکتے ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کریں گے تو ایسی صورت میں قانون ہے, یہاں پر لا ہے, رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے, ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر ہے, ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی اس کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم پولیس میں شکایت کر سکتے ہیں, ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ سے, اور چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو سینٹرل گورنمنٹ ہو, ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے. اور پھر ہم جب احتجاج کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے, پروٹیکشن ہم جب کریں گے, پروٹیسٹ پروٹیکشن نہیں, پروٹیسٹ جب کریں گے تو ایسے پروٹیسٹ ہم کریں گے جو وائلنٹ نہ ہو, پرامن ہو, کہیں آگ نہیں لگائیں گے ہم, کہیں پتھر نہیں ماریں گے ہم, کہیں کسی سے ہماری مٹ بھیڑ نہیں ہوگی, کہیں بم نہیں ڈالیں گے ہم یہ نہیں کر سکتے. ہاں ہم قانون سے مطالبہ کر سکتے ہیں, پولیس سے مطالبہ کر سکتے ہیں, حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے مینٹین کرنے والے جو ہمارے فورسز ہیں ان پہ پریشر ڈالا کہ ہم ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ.
ये अलग बात है कि हमारे को उसका क्या रिस्पांस आता है, तो हम देख रहे हैं कि उसका कोई सही रिस्पांस हमको नहीं आ रहा। मीडिया में हम डिबेट्स कर सकते हैं, हमारे लीडर्स असेंबली में पार्लियामेंट में फाइट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकते हैं, और ये सब कुछ हो रहा है, जिस हद तक भी हो सकता है हो रहा है, उससे अगर हम नहीं कर सकते। ये सेकेंड लेवल के मुसलमान हैं हम लोग, और उस वक्त तक के हैं जब तक के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स है। अगर खुदा ना खास्ता जैसे कि कोशिशें हो रही है और धड़ल्ले से हो रही हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो यहाँ की गवर्नमेंट का रिलीजन हिंदूइज्म हो जाएगा, तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी का राइट है, राइट टू रिलीजन है, वो खत्म हो जाएगा। वैसी सूरत में हम गुलाम हो जाएंगे। अब हमको ये नहीं मालूम कि उसके बाद हम मस्जिदों को रख सकते नहीं रख सकते, नमाज पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, और क्या होगा वो हमारे को अभी कोई आइडिया नहीं है। मगर इसका इम्कान ज़रूर है कि सब कुछ हो सकता है, मस्जिदें ख़त्म की जा सकती हैं, स्पीकर बंद किए जा सकते हैं, अदानें ख़त्म हो सकती हैं, और आप अपना इस्लामिक आइडेंटिटी लूज़ कर सकते हैं, ख़त्म कर देंगे। मुतालबा हो रहा है उसका, इसके पूरे चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया, देर से या जल्दी कभी भी आ भी सकता है, ऐसे चांसेस। उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारे पास है ये राइट कि हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट से डिमांड करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सेकेंड लेवल। अब रहा थर्ड और हाइएस्ट लेवल, जिनके पास हुकूमत है, जिनका पावर है, वो खुल के बोल सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लेवल पे बात कर सकते हैं। वो हुई एक हल्की सी बात, और वो ये हुई कि पूरे अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करे कि जो भी गुस्ताख रसूल है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना हम दोबारा बायकॉट करेंगे। तो बाज़ इलाकों में थोड़ा बहुत बायकॉट हुआ, प्रोडक्ट्स का बायकॉट हुआ, और जो है माफ़ी मांगने का मुतालबा किया कतर वगैरह दूसरे कंट्रीज़ ने, और जो है ये जो गवर्नमेंट लेवल के बातें होती है ना, उसमें हर कंट्री में हमारा एक एम्बेसडर सिफारतकार बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता हो, पूरे कंट्रीज में रहता, पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स एम्बेसडर की शक्ल में हमारे कंट्री में भी रहते हैं। तो ऐसी कोई बात हो जाती है ना, नाचाफी हो जाती है दो कंट्रीज के अंदर, तो सबसे पहला काम ये होता है कि वहां के एम्बेसडर को बुलाते हैं, बुला के उसको पूछते तुम्हारी कंट्री में ऐसा क्यों हो रहा, तुम्हारी कंट्री में फला आदमी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके खिलाफ तुम्हारी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही, तुम्हारी गवर्नमेंट को बोलो कि उसके खिलाफ एक्शन ली, एक लेटर, एक मेमोरेंडम, एक नोटिस एम्बेसडर को दिया। तो वो एम्बेसडर चूंकि हमारी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएट इन्फॉर्म करता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट का काम है कि उसका रिप्लाई देना, गवर्नमेंट लेवल पर रिप्लाई देना। इसको सिफारतकारी बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में भी इसके वर्ड्स है, फौरी मेरे को याद नहीं आ रहे। तो ये जो सिफारतकारी सिफारती लेवल पे काम होता, वो काम भी हुआ, कतर में हमारा इंडिया का जो एम्बेसडर है उसको बुलाया गया और उसको एहतजाजी लेटर दिया गया और डिमांड किया गया कि आपकी गवर्नमेंट हमसे माफ़ी मांगे। उसी के नतीजे में बीजेपी की जो इसको स्पोक्स पर्सन थी उसको बीजेपी से अलग कर दिया है, सस्पेंड कर दिया उसको, और ये डिक्लेयर करें कि हमारे ख्यालात उसके ख्यालात के मुताबिक नहीं है, वो उसका अपना व्यू है, हमारा व्यू वैसा नहीं है, और वो व्यू से आपको चूंकि तकलीफ हुई है इसलिए हम उसको उसके पोस्ट से हटा दे रहे हैं, उनके हटा दिए। उनका दूसरा डिमांड ये था कि हमारे से माफ़ी मांगो, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माफ़ी नहीं मांगी, और उसके नतीजे में क्या हुआ, उस वक्त हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब कतर में थे, तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए गए, एक तरह से उनकी इंसल्ट हुई वहाँ,
और वो बहुत इंसल्ट जैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए वो रेस्पेक्ट और उनका प्रोटोकॉल में काफ़ी कमी कर दी गई और वो फौरी भाग के वापस इंडिया आ गए वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट हुई। ये और बात है कि मीडिया में न्यूज़ में उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और ये एक्शन लिया गया। वो एक्शन लेने से 10 दिन पहले से मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, हमारे जो भी लीडर्स हैं मजहबी पॉलिटिकल वो सब के सब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाद में छोटा सा एक्शन लिए, बस इतना करके हमारे इस्लामिक कंट्रीज खामोश बैठ गए और पूरी इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC उसमें भी एक इंडिया के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और उसमें इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया। इतना ही हुआ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि जो मुसलमान गुलाम है वो तो कुछ नहीं कर सकते, जिनको इक्वल राइट्स हैं इंडिया के जैसे वो एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो किया हमने। अब ये जो थर्ड लेवल के हाईएस्ट लेवल के जो मुसलमान हैं जिनके पास गवर्नमेंट है तो उनकी गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और असल एक्शन उनको लेना है क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के पैगंबर नहीं है, वो तो रहमतुलिल आलमीन है, पूरे आलमीन के लिए रहमत है, क़यामत तक के लिए पैगंबर है। तो अब पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जिसके पास गवर्नमेंट है उनकी बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे वाकयात होने से पूरी दुनिया में रोक लगाएं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बात हमको कहना पड़ता है कि ऐसा वो कंट्रीज नहीं किए, सिर्फ थोड़ा एहतजाज करें, यहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा एक्शन हुआ, खामोश हो गए। अब हम लोग भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई उसको कम से कम अरेस्ट करो, इतना ही हमारा भी मुतालिबा, इससे आगे का कोई मुतालिबा नहीं है हमारा, अरेस्ट करो, तो अरेस्ट भी नहीं करें। अब इस्लामिक कंट्रीज की क्या जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उनके पास पावर है। इस्लामिक कंट्रीज की जिम्मेदारी शरीयत की रोशनी में यह बनती है कि वो उस गुस्ताख को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें। इस्लामिक कंट्रीज का काम यह है कि चाहे वो गुस्ताखी करने वाला इंडिया वाला हो, यूरोपियन कंट्रीज का हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, कोई भी कंट्री का हो, इस्लामिक कंट्रीज का काम यह है कि ऐसा कभी भी किसी भी ज़माने में दुनिया के किसी भी हिस्से में होता है तो ये पूरे इस्लामिक कंट्रीज मिलकर ऐसा लॉ बना लेना कि जो भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा वो हमारे इस्लामिक कंट्रीज के हवाले करो, हम उसका जो भी अजर करना है हम करें। ये होना चाहिए मगर ऐसा नहीं हो रहा। हम जब स्टूडेंट थे उस ज़माने से ये किस्से सुनते आ रहे हैं। मैं उस्मान यूनिवर्सिटी में MA में था, उस वक्त सलमान रुश्दी नाम का मुसलमान था, नाम तो मुसलमान था, उन्हें भी हुजूर की शान में गुस्ताखी किया और एक पूरी बुक लिखा। वो बुक का नाम क्या था मालूम है? द शैतानिक वर्सेस, उर्दू में उसका ट्रांसलेशन हुआ शैतानी कलिमात। वो पूरी हुजूर की सीरत को बिगाड़ के लिख दिया, बहुत गुस्ताखी किया, पूरी वर्ल्ड में उसके खिलाफ एहतजाज हुआ, उस वक्त भी बहुत हंगामे हुए। और उस वक्त जो है ईरान एक ऐसा मुस्लिम कंट्री था जिसने खुल्लम खुल्ला सलमान रुश्दी को हमारे हवाले करो और पूरे मुसलमानों से उन्होंने अपील की थी कि सलमान रुश्दी कहीं भी दिखा तो उसकी गर्दन उड़ा दो। और असल उसूल इस्लाम का यही है, ये गुस्ताख कहीं भी दिखेंगे किसी भी मुसलमान को तो अगर वो मुसलमान उसके ऊपर काबू पा लें तो उसकी गर्दन उड़ा दें। इसीलिए एक स्लोगन आप सुने होंगे, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इस्लामी उसूल यही है, इससे आपके कुछ भी। अब इसको सीरत की रोशनी में बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के ज़माने में तो खामोश रहे, नज़रअंदाज करते थे, लेकिन जब मक्का फतह हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे मक्के और मदीने पे कंट्रोल मिल गया और हुजूर मक्के मदीने के हुक्मरान बन गए, गवर्नमेंट पूरी जब कंट्रोल में आ गई तो उस वक्त तमाम गुस्ताखों को चुन चुन के कत्ल किया गया। हम लोग आमतौर पर यह सुनाते हैं कि हुजूर ने फतेह मक्का के मौके पर तमाम लोगों को माफ कर दिया,
जो लड़े करे दूसरे किस्म की बदमाशियाँ करें उनको माफ़ कर दिया गया, लेकिन जो हुजूर को गाली गलौज करें आपकी किरदार कुशी करें उनको माफ़ नहीं किया। चुनांचे अकरमा नामी एक शख्स था जो अबू लहब का बेटा था, अबू लहब का बेटा अकरमा था, इकरमा भी बोलते बाद लोग। तो इकरमा की बीवी मुसलमान थी, जब इकरमा को पता चला कि गुस्ताखों को माफी नहीं मिली है और वो भी बहुत बड़ा गुस्ताख था, तो वो बोला मैं तो बच नहीं सकता, मेरे तो गर्दन उड़ा देगा, और निकल के भाग गया मक्के से, जिद्दा के साहिल तक पहुंच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकरमा की बीवी आई और आके अर्ज की, अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर तो आपका बड़ा गुस्ताख है और आप तो गुस्ताखों को कत्ल करने की सजा दे दिए हैं, इसलिए इस मुसलमान मेरे शौहर को तो कत्ल कर देते हैं और वो अपनी जान बचा के भाग गया है, मगर मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दीजिए, अगर आप माफ़ कर देते हैं तो मैं उसको बुला लूँगा, ये पर्सनल रिक्वेस्ट था। तो एक मुसलमान औरत का रिक्वेस्ट था उसके शौहर के ताल्लुक से, तो हजूर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, ठीक है मैं बुला लो अकरमा। तो वो बीवी उसकी ढूंढते ढूंढते मक्के मदीने से होते होते जिद्दा के साहिल पे जाके वो मिला, और मिला तो अकरमा से कहने लगी कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी पनाह ले ली है, तुमको माफ़ करने का वादा कर लिया गया है, इसलिए तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाएंगे। लेकिन वो बहुत शर्मिंदा भी था और उसको बहुत यकीन नहीं आ रहा था, वो समझ रहा था कि मेरे को धोखा दे के तुम भी मुसलमान हैं, तुम भी हुजूर के वफादार हैं, ले आके मेरे को मार देते, ऐसा समझ रहा था। लेकिन उसको यकीन दिलाया गया और वापस लाने के बाद इकरमा को जब माफ़ कर दिया गया तो कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गए। बाकी जो लोग थे, चार बड़े बड़े गुस्ताख थे, उनके बारे में हुजूर ने ऑर्डर पास किया कि ये लोगों को कभी माफ़ी नहीं हो सकती, मेरी शान में जो लोग गुस्ताखी किए हैं ये लोग अगर कावतुल्ला के खिलाफ में भी जाके छुप गए तो वहीं उनको कत्ल कर दो। चुनांचे वो चार लोग यकीनन काबे के खिलाफ के अंदर पाए गए और वहीं उनकी गर्दन उड़ा दी। इसलिए टोटली जब मुसलमानों को पावर और कंट्रोल हासिल हो जाए तो वो मुसलमान ऐसे जालिमों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जहां मुसलमानों का स्टेटस कमज़ोर है, वीक है, उनको पावर नहीं है, तो उसके दो स्टेजेस हैं, एक तो गुलामी का स्टेज है, वहां तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरा इंडिया के जैसा स्टेटस है, यहां पर इक्वालिटी है, तो गवर्नमेंट से हम डिमांड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज जो नंबर वन का है, टॉप मोस्ट, वो है कंट्रोल और गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का जब स्टेटस मिल जाता है तो उनको कत्ल कर दिया जाए। जंग में तो फेस टू फेस करते हैं, माडल में, बदर के मैदान में, जंग बदर मशहूर है, बैटल ऑफ बदर फर्स्ट जंग थी, उसमें इनके उतने बच्चे, 13-14 साल के बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, इनके उतने बच्चे, दो बच्चे थे, वो छोटे बच्चे मैदान जंग में हुजूर से स्पेशल परमिशन लेके आए थे, हालांकि बच्चों को जंग में नहीं ले जाते, अब छोटे 13-14 साल के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे जंग में, क्या करेंगे, तुम लोग रहो अपने साथ माँ बाप के पास, तो दोनों एक दूसरे से मुकाबला करें और हुजूर के सामने साबित करें कि हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हुजूर ने उनका जोश जज्बा देखकर उनको परमिशन दे दिया, तो परमिशन लेके मैदान जंग में आ गए। हजरत अब्दुलरहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े साहबी, उन्होंने ये वाकया बयान किया कि वो मैदान बदर में थे और ये सोच रहे थे कि जंग तो पूरे जोरों पर चल रही है, अगर मैं आगे बढ़ूंगा और दुश्मन से जब मुकाबला करूंगा तो मेरे आजू बाजू में कौन है, कोई है मेरा साथ देने वाला ताकतवर, ये देखने के लिए आजू बाजू देखे, तो ये दो छोटे बच्चे थे, अभी ये सोच ही रहे थे कि दोनों बच्चे आगे बढ़ के हजरत अब्दुलरहमान से पूछे, चचा जान अबू जहल कौन? तो हजरत अब्दुलरहमान ने कहा कि भाई तुम क्या करोगे अबू जहल उसको लेकर, तुम दो छोटे बच्चे हो। तो उन दोनों ने कहा कि हमने सुना है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता और हम ये सोच के आए हैं कि आज इस मैदान जंग में अबू जहल को कत्ल कर देंगे, हम दोनों मिलकर, छोटे बच्चे वो, और हम
उतना उसको लिपट जाएंगे, या तो वो हमारे को कत्ल कर दे या हम उसको कत्ल कर देंगे। ये जुमला बता रहा है कि दुश्मन को मारने के लिए आदमी उस वक्त तैयार हो सकता है जब खुद मरने के लिए भी तैयार हो जाए। जब लड़ाई होगी तो मार अपन भी खा सकते, उसकी जान लेने गए तो उन्हें भी अपनी जान ले सकता। तो मुसलमान का सेवा यह है कि जब जंग लड़ाई हो जाए, फेस टू फेस जब लड़ाई हो जाए, तो अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करना है। अपन ये नहीं सोचना मैं तो बचूंगा और कुछ मारूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी मरूंगा, चाहे तो मैं मरूंगा चाहे तो उन्हें मारना। इसी को जज्बा शहादत बोलते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम इतना उसको लपट जाएंगे, या तो उन्हें हमको मार डालना है, हम उसको मार डालना। तो ये बात हो रही थी हजरत अब्दुल रहमान से कि मैदान जंग में अबू जहल दूर से दौड़ता हुआ नजर आया, घोड़े पे भाग रहा था, लड़ रहा था, हाथ में तलवार है, लड़ाई चल रही, फुल फाइटिंग हो रही। तो हजरत अब्दुल रहमान ने दूर से बताया दोनों बच्चों को, देखो वो जा रहा अबू जहल। बस जैसे ही देखे, जैसा क्रिकेट में शॉट मारती बॉल के पीछे फील्डर भागता ना, उसी तरह दोनों बच्चे तेजी से अबू जहल के पीछे भागे और एक ने उसके घोड़े की टांगों पे तलवार चलाई तो टांग टूट गई, उन्हें गिरा तो दूसरा उसकी गर्दन पे वार करा, बच्चों का वार है, ज्यादा जख्म नहीं आया, जख्मी होके गिरा उन्हें। अभी उन्हें सोच ही रहा था अरे कौन मारे, मेरे बच्चे मारे कैसा, सोच ही रहा था कि दो सहाबी दूसरे आए और तेजी के साथ उसका काम तमाम कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। तो हुजूर के जमाने में भी जो गुस्ताख होते थे उनको मारने का जज्बा रहता था और जो भी गुस्ताखी करता था उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। तो आज भी ये उसूल बाकी है, मगर कौम का स्टेटस देखा जाए। अब व्हाट्सएप वगैरह पे दोनों किस्म के स्टेटस की बात चल रही है, इसलिए मैं तीन स्टेटस आपके सामने रखा। जो हुकुमरान है उनका तो जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गुस्ताखों से इस जमीन को पाक कर दें। एक और गुस्ताख खातून थी बांग्लादेश की, तस्लीमा नसरी, उन्हें भी बहुत गुस्ताखी की, उन्हें भी हुजूर की शान में बदतमीजी से पूरी एक बुक लिखी, तो पूरी दुनिया उसको प्रोटेक्शन दी और इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया। अभी भी वो इंडिया में है, कहाँ है नहीं मालूम, मगर है। उसका किस्सा चला, अब ये तीसरा किस्सा शुरू हुआ और ऐसे चलते रहते। इन्हें तो खाली एक दो जुमले बोली है बदमाश, बोला तो बुक्स लिख दिए पूरे। और मैं जुमे में इससे पहले सुनाया, राजपाल ने भी एक शख्स अंग्रेजों के जमाने, उन्हें भी हुजूर के शान में गुस्ताखी करते हुए बुक लिखा। तो ऐसे ही इत्तेजाजी जलसे हो रहे थे, तो उस जमाने में इल्मुद्दीन नाम का एक कारपेंटर था, बड़ा ही का काम करता था बच्चा, उसको गुस्सा आया, उन्हें बोला है ये राजपाल तो अपने महल में रहता है, इसको मैं कत्ल करूँ। चुनाचे उसने तैयारी की, जाके बहुत बड़ा जमिया खरीदा और उसको शहर में बुझा के रखा और उसके बाद जैसे ही मौका मिला जाके उसको मार दिया और मर गया। बाद में उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ केस चला और उसको फांसी दी गई इल्मुद्दीन को। और ये बिल्कुल आज़ादी से कुछ पहले के दिनों की बात है और ये सिलसिला चलते रहता, हमेशा चलते रहेगा। मगर उसूल की बात ये है कि जब हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास पावर है तो वो लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अब अपन लोग नहीं कर सकते, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में उनकी जिम्मेदारी मेरे अपने नज़रिए में, जहाँ तक मेरा छोटा मोटा इल्म है, मुझे ये समझ में आया कि ये इस्लामिक कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि वो इंडिया से मुतालबा करते कि वो खातून को हमारे हवाले करो। वो आदमी को दो थे ना उसमें, एक जिंदाल भी है और नूपुर शर्मा, दोनों तो दोनों को हमारे हवाले कर दो, हम उसको कत्ल कर देंगे, ये मुतालबा करना चाहिए इस्लामी उसूल के मुताबिक, लेकिन वो लोग नहीं किए। तो इससे भी ये भी पता चलता है कि हमारे इस्लामिक कंट्रीज भी पूरे इस्लामिक नहीं है। आप लोग सब अच्छी तरह जाओ, तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो लोग इस्लामिक होते तो वो ये मुतालबा करते थे। अब इसका मुतालबा ज़्यादा ज़्यादा अफगानिस्तान कर सकता है, वहाँ कम्प्लीट इस्लामिक गवर्नमेंट है, लेकिन वो लोग गुज़िश्ता 60 साल से जंग लड़ रहे हैं, 60 ईयर्स से वो लोग कंटिन्यू जंग कर रहे हैं। वो लोग इतने कमज़ोर और इतने वीक हो चुके हैं कि उनके पास इस्लामिक लॉ और रूल वो लोग अफगानिस्तान में तो नाफिज कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया के ऊपर कोई असरअंदाज होने का उनके पास उतना दम नहीं है, वरना वो लोग कर सकते थे।
अब इस 60 ईयर्स से जो जंग कर रहे हैं वो लोग, उसकी बहुत डिटेल्स हैं, उसमें अभी फ़िलहाल हमको जाना नहीं। अभी लास्ट 20 ईयर्स जो उनकी जंग थी अमेरिका से, वो अभी अभी ख़त्म हुई है 2-4 साल पहले, और अब वहाँ अमन तो कायम हो गया है, लेकिन उन लोगों को पूरे वर्ल्ड से किसी किस्म की कोई मदद नहीं है। सोशली अभी भी उनका प्रैक्टिकल बॉयकॉट ही चल रहा है, क्योंकि इस्लामी गवर्नमेंट है। और अब परसों जलजला भी आ गया, 1000 आदमी मारे, तो खैर ये तो होते रहता। तो बहरहाल आप बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसे कोई हालात पेश आते, कभी भी फ्यूचर में आ सकते हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो हम जो है सेकेंड स्टेज के स्टेटस के हिसाब से मुसलमान हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, हम पर्सनली कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, अगर किसी मुसलमान के दिल में इतना ईमान का जज्बा जोश आ गया कि वो खुद मरने के लिए तैयार है, और उसके सामने कोई ऐसा सालिम गुस्सा आ गया है, तो वो पर्सनली अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके उसको कत्ल कर सकता है। अल्लाह के पास वो शहीद का दर्जा पाएगा, लेकिन पूरे मुसलमान उसको ज़िम्मेदार नहीं हो। और यही एक सूरत बन सकती है, अगर उसका खात्मा करना है तो इंडिविजुअली कोई एक शख्स या 2-4 शख्स मिलकर उसका खात्मा कर सकते, उसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। उसको गिरफ्तार भी करेंगे तो उसकी सज़ा नहीं है, उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी देंगे तो वो भी उसकी सज़ा, उसकी सज़ा सिर्फ कत्ल और कुछ भी। तो अब हमारी आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी, यहाँ की डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमारी जो ज़िम्मेदारी है, चूँकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन है और सेकुलरिज्म है ख़त्म नहीं हुआ, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना, ऐसी सूरत में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करना, ये नहीं कर रहे हैं अभी तक, हमारी उस तरफ सोच भी नहीं, हमारे जहन इतने कमज़ोर हैं और हम इतने वीक हैं, इतने बड़े बड़े हादसात हम फेस कर रहे हैं लेकिन अभी भी हम यूनाइटेड नहीं हैं। और कोई पॉलिटिकल लीडर को स्ट्रॉन्ग करने की हम सोच रहे भी नहीं, हम वही गैर पार्टियों की तरफ, गैर लीडरों की तरफ ही भाग रहे हैं। अभी जो लास्ट फ्यू इयर्स में 2-3 साल में जो इलेक्शन हुए, बंगाल का इलेक्शन हुआ, कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, अब यूपी का हुआ और गुजरात वगैरह का होने वाला है, ये सारे इलेक्शन में हम देखें कि कोई हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बन सकी, रीजनल पार्टीज के पीछे भाग रहे हैं और उन्हीं के ऊपर हम जो है डिपेंड करे हुए हैं, जबकि पार्लियामेंट में इस पर्सनल लॉ के खिलाफ लॉस बन गए, बाबरी मस्जिद का मुकदमा हार गए, ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा चल रहा, और आपके कर्नाटक में हिजाब के ऊपर पाबंदी लग गई है, मुस्लिम औरतें खासतौर से स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल कॉलेज में बग़ैर पर्दे के जाना पड़ रहा है, नहीं तो घर में बैठना पड़ रहा है। इतने बड़े बड़े हालात पेश आने के बावजूद कोई पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारी नहीं, और इस तरफ हमारा कोई अप्रोच भी नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े अभी तक, ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी हमारे हाथ में है, अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और अपनी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वोट डाल के मुसलमान लीडर्स को अगर हम जिताएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना बहुत तेज़ी के साथ ये चांस भी हमारे हाथ से निकल रहा है। सेकुलरिज्म ख़त्म हो रहा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो रहा है, और तेज़ी से ये कंट्री हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। ऐसी सूरत में अगर फ़र्ज कीजिए आइंदा 10-20-25 साल में भी ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा भयानक होगी और हम इतनी चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप किसको हमें स्ट्रॉन्ग करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब वो तो बड़े लोग बताएंगे, मैं उस सिलसिले में अभी आपके सामने कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर आप पर्सनली मिलते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं पब्लिक में तो मैं फ़िलहाल कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। इसलिए अब आप स्टूडेंट हैं, आपका काम ये है कि सबसे पहले अपने स्टडीज़ और कैरियर की तरफ तवज्जो देना। खूब स्टडी कीजिए, कैरियर बनाइए, अभी भी आपके लिए चांस है, आप बड़े से बड़ा पोस्ट हासिल कर सकते हो। अभी हमारे दूर के रिलेटिव्स में होता बच्चा, वो सैयद मुस्तफ़ा हाशमी, अपने तलहा हाशमी का भाई है, कज़न ब्रदर है तलहा हाशमी का, उसने जो है 162 रैंक हासिल करके IAS का पोस्ट ले लिया है, IAS ऑफिसर का।
और भी दूसरे बच्चे बच्चियां हैं, हर साल 4, 6, 8, 10, 20 आते रहते हैं। तो अभी हमारे लिए चांस है, हम कोई भी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारा माइंडसेट जो है मुस्लिम न्यू जनरेशन का माइंडसेट लास्ट 40 ईयर्स से ये बना हुआ है कि अपने को इंडिया में नहीं रहना है, बाहर भागना है। हमारे स्टूडेंटशिप के ज़माने से हम देख रहे हैं, हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमारे बहुत सारे साथी इंटर छोड़ के भाग गए, डिग्री छोड़ के भाग गए, बाहर बाहर बाहर। और अभी भी ये सूरत है, अब ज़रा पढ़े लिखे जब तो पढ़ाई छोड़ छोड़ के भागे, ग्रेजुएशन भी नहीं करे भागे, मगर अब जो है थोड़ा पढ़ लिख के जा रहे हैं तो भी उतना ज़्यादा वहाँ पर चांसेस नहीं है। और यहाँ पर हमारी वीकनेस बढ़ रही है, हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ खतरे में, हमारा वजूद खतरे में। तो ठीक है बाहर जाइए, कोई भी कंट्री को जाइए, आप अपना कैरियर बनाइए, लेकिन यहाँ पर भी आप हाईएस्ट पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। और बहुत दिनों से ये बात महसूस हो रही है, बहुत से लीडर्स उलमा और हमारे जो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स हैं वो लोग महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत हो गए, अब ये जनरेशन को लॉ में आगे बढ़ना चाहिए, आप LLB कीजिए, LLM कीजिए, और आप जो है लॉ की जो हाईएस्ट से हाईएस्ट डिग्री हो सकती है, जैसे बैरिस्टर है, बैरिस्टर लंदन से 800 डिग्री, और जितने फ्रीडम फाइटर्स थे बड़े बड़े वो भी बैरिस्टर थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे। तो जब तक कि आप लॉ नहीं पढ़ेंगे आप हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त SIO के जो जिम्मेदार बच्चे हैं, आप भी अब नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को इस तरफ राहत कीजिए और उनको कैरियर उनका डाइवर्ट करके लॉयर बनाने की कोशिश कीजिए। लॉयर बनने से क्या होगा, यहाँ इंटरनल लॉस में भी हमको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सही तरीके से फेस कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, और फिर नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी फेस कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं। एक बात आखिर में मैं इतनी ज़रूर बोल दूँगा कि बहुत सारे लोग जो है हमारे यहाँ के जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुतालिक बोलते हैं कि ये BJP के साथी है, इस वास्ते इनको गवर्नमेंट नहीं पकड़ती, इतना खिलाफ बोलते, खुल के बोलते, फिर भी इनको कहीं को नहीं पकड़ रहे, उनके साथी है बोलते, ये गलत है, ऐसा नहीं है। बात सीधी सीधी ये है कि वो बहुत बड़ा लॉयर है वो शख्स, और आप उनके डिबेट्स देखिए, सुनिए, डिस्कशंस को फ्री तरीके से जहन को साफ करके सुनिए, तो आप गौर करेंगे कि वो शख्स लॉ को जानते हुए, पॉलिटिक्स को जानते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हुए अपनी लिमिट में रह के अपनी बात को मनवाता है, उसकी सलाहियत है उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस पर हाथ नहीं डाल सका अभी तक, वरना दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को तबाह, आजम खान को ख़त्म कर, तो मारे नहीं, उनकी यूनिवर्सिटी बंद कर दी है, उनको जेल में ठोस दी है, उनके पूरे खानदान को, हालांकि वो लोग सब MLAs MPs हैं, मगर देखो उनके साथ कैसा सुनो, इनके साथ क्यों नहीं हुआ, इसलिए वे लॉ को जानते हैं, गवर्नमेंट को, पुलिस को, अथॉरिटीज को मालूम है कि इसके साथ आसानी से नहीं बच सकते, इसलिए हाथ नहीं ला रहे, ये एक फैक्ट है। हो सकता है कि आपकी राय मेरे से मुख्तलिफ होगी, मगर एक सही बात यह है कि आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो आप नए बच्चे इस तरफ तवज्जो दीजिए और जो है लॉयर बनने की कोशिश कीजिए। अब डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत हो गए, फॉर्म को उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर्स का तो ये हाल है कि हर घर में है, पढ़े गए बेकार और काम के लिए भी, उससे तो मामूली ग्रेजुएट्स अच्छे कुछ ना कुछ कर सकते। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, हो सकता है कि आप लोगों थोड़ा सा आप उससे इख्तलाफ भी करते होंगे, लेकिन मेरे जो समझ में आया, अल्लाह ताला ने मुझको जितनी समझ दी उसके मुताबिक मैंने अर्ज किया है। बहुत बहुत आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये SIO का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप इससे जुड़े रहिए, ये बहुत काम का ऑर्गेनाइजेशन है, आपको हर फील्ड में ये जो है गाइड करता है। दूसरे जितने मजहबी जमाते हैं वो खाली इस्लाम की बात करते हैं लेकिन दुनिया की बात नहीं करते। SIO के ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को दुनिया में भी गाइड करता है, जो करंट अफेयर्स है उस पर आपकी रहनुमाई की जाती है। तो मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं SIO के, अजीज़ और वगैरह, दूसरे जितने बच्चे नामों में पूरे याद नहीं है, ये सब काबिल मुबारकबाद है, हम आपकी कदर करते हैं। और ये नए बच्चों को जो आप गाइड कर रहे हैं उनको इस्लामिक स्टडीज़ में भी और मॉडर्न एजुकेशन में भी गाइड करते रहिए, इंशाल्लाह आइंदा चलकर ये बच्चे हमारे बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की सुनने को कबूल फरमाए। कोई डाउट अगर रह गया है तो कोई भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करे,
फिर भी अगर कोई अभी भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आई या कोई नई बात आपके जहन में आई तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंकली इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पूछिए, उर्दू में चाहे उर्दू में पूछिए। पूछना मत, क्वेश्चन पूछना बच्चों, यही नहीं आप अपने स्कूल में कॉलेज में भी पूछना। जब भी कोई लेक्चर, जब भी कोई टीचर, जब भी कोई लेक्चरर क्लास लेके निकलता है तो जो भी डाउट्स आते हैं उसको पूछना है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला कुछ भी नहीं हुआ, बचा के रखिए उसको। नहीं नहीं वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में, यानी था इंडियन मगर उसको यूरोप में कहीं पनाह मिल गई, वहाँ का ही पड़ा हुआ है। ये लोगों को गायब कर देते हैं, छुपा देते हैं और वो लोगों का लिटरेचर फैला देते हैं। तस्लीमान असरीन को भी अंदर तो बंद करे गए रखे मगर उसका लिटरेचर फैला दिए। अब इसको भी वो कर दिए। अभी आप देख रहे हैं ना जो महाराष्ट्र का जो चल रहा है पॉलिटिकल ड्रामा, उसके पीछे यही है असल राज। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसको गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली भेजी नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के, और गवर्नमेंट जो इंडिया की है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती। तो वहाँ पर पहले तो इनकी पुलिस को चकमा देते रहे, उसके बाद बोले भाई ये शिवसेना की गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही है। उसके अंदर दरार डाल के एक हफ्ते से नाचना चाह रहे थे और वहाँ से उसको फरार कर दिया। तो क्या हो गया, महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो गर्म हो गया और वो गुस्सा से रसूल का जो मसला था वो ठंडा पड़ गया। ऐसे ही करते रहते पॉलिटिक्स में लोग, एक मसले को ख़त्म करने के लिए दूसरा मसला क्रिएट करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम इतना गर्म करते हैं कि पहला प्रॉब्लम खुद बहुत पीछे हो जाए। तो खैर ये होते रहेगा। अब जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाना है हमको। अभी तो आप लोग तो नए बच्चे हैं, आपको अपना कैरियर बनाना है, इसमें आगे बढ़िए और इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामियों को बदलेगा। अग्निपथ भी लाए हैं, ये भी लाए हैं, बहुत सारे हाँ जा सकते होंगे मगर अभी तक उसकी पूरी वो नहीं समझ में आई। हाँ एज एन इंडियन तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन जो अभी तक जो सिनेरियो हमारे सामने आया है उसमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम बच्चे उसमें जा रहे हैं। और इंडियन फौज में आर्मी में आप देखेंगे कि सिखों के चाटा चाट मराठे और मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के, उन सब के आर्मी के रिजीम्स अलग अलग हैं लेकिन मुस्लिम रिजीम नहीं है। हर एक फौज अलग अलग है इंडिया में, मुस्लिम फौज नहीं है। ये खुद एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कर सकते क्यों नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर होता है क्योंकि हम पॉलिटिकली वीक हैं, बहुत वीक हैं, इसलिए हमको नजरअंदाज करके छोड़ दिया। और भी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऐसे लॉज बने हैं ये गवर्नमेंट के ज़माने में कि हम देखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए हमको पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है जब तक कि ये सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की कुंजी हमारे हाथ में है, वरना ये हाथ से निकल गई तो फिर कुछ भी निकल सकते। कहाँ यूं अप्रोच, हाँ ये एक पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग और कहीं कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग अच्छा स्ट्रांग पोजिशन बना रहे हैं मगर अभी भी जिस लेवल पे आना चाहिए वो लेवल पे नहीं, और उनको भी क्रश करने की कोशिश हो रही है। उनके खिलाफ भी बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है, वो लोग फेस कर रहे हैं इसको, लेकिन उनका कोई लीडर वो लेवल का नहीं है जैसे होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप उनके अंदर ऐसी नहीं है, है अपनी तरफ से वो लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादातर सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो है सोशल वर्कर्स हैं। पॉलिटिकली वो लोग जो है जो रीजनल इलेक्शंस होते हैं उसमें कुछ सीटें जीत रहे हैं लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं है वो लोग, कॉरपोरेशंस में है, तो इसलिए अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके। कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वा अला आलिहि वा सहबिहि वसल्लम।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين.